ड्रामा है, ट्रेजेडी है। यमला पगला दीवाना। क्या अपने की कहानी हो गई है पुरानी? क्या पूरा हुआ करण देओल का सपना? क्या करण देओल की आंखों में आए आंसू? दोस्तों, जब करण देओल ने पापा, चाचा और दादा धर्मेंद्र जी को यमला पगला दीवाना पार्ट 2 में काम करते हुए देखा, तब उन्होंने भी एक सपना देखा था कि वो भी किसी दिन इन तीनों के साथ किसी फिल्म पर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, करण देओल ये चाहते थे कि वो चारों एक स्क्रीन स्पेस शेयर करें और बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरें। और आज जब ऐसा होने जा रहा है, तब करण देओल की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्म अपने के दूसरे भाग में ये तीनों जनरेशन से हमें एक साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। बता दें कि करण देओल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनका ये सपना सच होने वाला है, और जब उनके पास अपने 2 का ऑफर आया, तब भी वो फिल्म के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने कहानी की स्क्रिप्ट पढ़ी, तब उनकी आंखों से आंसू ही आ गए। करण देओल के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग और इमोशनल समय है, और फिलहाल तो बस वो प्रे कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने होप किया है, यानी कि शूटिंग से लेकर रिलीज तक सब कुछ अच्छे से हो जाए। दोस्तों बता दें कि हालांकि प्रीक्वल की कहानी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन अब वो समय चला गया है जब लोगों को ऐसी कहानियाँ पसंद आती थी। अब नई जनरेशन्स आ गई हैं जो कि नई तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं, और इसीलिए अब इस फिल्म में भी नए ट्रेंड को ही फॉलो किया जाएगा। यानी कि इस फिल्म में आजकल के फैमिली इश्यूज और आजकल की ही घटनाओं को दिखाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार फिल्म पूरी तरह से नई जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। वेल, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।